नमस्कार, ऊर्जा वास्तु में मैं धीरेन्द्र शाह। वास्तु के बारे में बहुत सारी टिप्स आपको मिलती होगी, लेकिन मैं आज जो टिप्स बता रहा हूँ वो टिप्स हर एक परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक परिवार के जो भी रेसिडेंस है, जो भी मकान है, बंगलोस है, फ्लैट्स हैं, उसके मेन डोर्स, मेन द्वार जो है उसके सामने कोई भी वेद नहीं आना चाहिए। ये सिंपल बात पहले समझनी जरूरी है। किसी भी डायरेक्शन का दरवाज़ा होगा वो चलेगा, साउथ डायरेक्शन होगा तब भी चलेगा, लेकिन मुख्य दरवाजे के सामने कोई दीवार नहीं आनी चाहिए, कोई वेद नहीं आना चाहिए, पेड़ नहीं आना चाहिए, कोई पहाड़ नहीं आना चाहिए, कोई ओवर ब्रिज नहीं आना चाहिए, कोई सीढ़ी नहीं आनी चाहिए, या तो कोई खड्डा नहीं आना चाहिए, कोई स्नानागार या तो शौचालय नहीं आना चाहिए मेन डोर के सामने। अगर मेन डोर के सामने ऐसी कोई भी वेद आता है तो आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी आने की जो संभावना बढ़नी चाहिए उसकी जगह कम हो जा रही है। और जब पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आएगी तो आपके घर के अंदर की जो भी एनर्जी जनरेट होती है वो उसमें नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगी। उसके लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मुख्य दरवाजे के सामने किसी भी प्रकार का वेद नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का वेद है या तो सामने कोई भी अवरोध है, रुकावट है, कुछ भी है, अगर हटा सकते तो उसको हटा लो, नहीं हटा सकते तो मेन डोर के ऊपर फेंशुई का पाक हुआ मिरर लगा दीजिए। अगर मेन डोर का के सामने बाहर सामने की साइड पर कोई भी वेद है तो आपकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी कम आपके वहाँ रहेगी, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहेगी। नेगेटिव एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपको ज़्यादा समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। अगर आप अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हो, किसी भी डोर का मेन डोर हो चलेगा, लेकिन द्वार के सामने कोई भी वेद नहीं आना चाहिए। नमस्कार।